नहीं चलेगा कोई बहाना, सड़क सुरक्षा नियमों को हम सबको होगा अपनाना। नमस्कार, तुम स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल आधार कार्ड सॉल्यूशन में। तो सुनो दोस्तों, कल मैंने जो वीडियो डाले थे उसमें वीडियो मैंने डाला था कि आप किस तरीके से नया ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के साथ साथ मैंने दूसरा वीडियो भी डाला था कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो किस तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे, कितने अंकों का क्वेश्चन होगा, कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने में आप पास हो जाते हैं, और कितने में अगर फेल होने के बाद क्या फिर से फीस भरनी पड़ेगी। इन सब सवालों के जवाब मैंने पिछले वीडियो में डाले। तो आज हमारा जो वीडियो रहेगा वो वीडियो भी ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित रहेगा। इसमें मैंने वो क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं जो क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन इस तरीके के बनाते हैं। आप एग्ज़ाम देने अगर जा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस का, ऑनलाइन टेस्ट में बैठ रहे हैं, तो प्लीज़ पहले इस वीडियो को ज़रूर देख करके जाएं। मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को इससे 8-9 क्वेश्चन आराम से आप सही कर लेंगे। अगर आप इन ट्रैफिक सिग्नलों को, अगर आप मेरे द्वारा जो बताए आगे क्वेश्चन जो बताए हैं मैंने, उसको आप अगर कवर करके जाते हैं तो 100% आपको आप पास हो जाएंगे, ऐसा मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मली चीज़ें जो आपको सब रोड पर निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, इनमें भी छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखें तो आप एग्ज़ाम आसानी पूर्वक पास कर सकते हैं। और इसके लिए जो मैंने पहले वीडियो डाले थे, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं जाकर के आप ज़रूर देखें, आपको कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा मिलेगा। और जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ उनसे सब प्लीज़ आप सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को 1-2 लोगों में शेयर कर दें। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, आइए शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कुछ बातों को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहली बात तो ये, जब आप ड्राइविंग करने जाएं तो सबसे पहले तो आप अपना विशेष ख्याल रखें, आप आलस या इस चीज़ का किसी प्रकार का आप आलस ना करें, इससे दुर्घटना होने की संभावना हो। दूसरा, जब आप ट्रैफिक में जब आप ड्राइविंग स्टार्ट करें या आप गाड़ी से कहीं टूरिस्ट घूमने या कहीं कुछ करने जा रहे हो, ड्रिंक बिल्कुल ना करें, इस तरीके का जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। आप इतना ना खो जाएं मौज मस्ती में कि आप गाड़ी को एक किनारे लगा करके या पार्किंग करके या किसी होटल से वहाँ रुक करके आराम से इन्जॉय कर सकते हो, उसके बाद अपनी गाड़ी को आने वाले। और स्मोकिंग बिल्कुल ना करें गाड़ी चलाने पर, ये तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ सकता है। तो आप लोगों को पहले मैं बता दूं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, और प्लीज़ चैनल को जिसने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और आपको कुछ अच्छी जानकारी मिले तो चैनल को लाइक कर दें, और जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं वो शेयर कर दें, और जो हमारे सब्सक्राइब भी कर लें, और जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो चैनल को लाइक कर दें। आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो देखो, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चंस वहाँ आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये रेड कलर का बना हुआ है सिंबल, तो इसमें इस तरीके के अगर ऑप्शन बन के आ जाए, क्वेश्चन लिख के आ जाए कि जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और रोड पर आते हैं तो किस सिग्नल होने पर आप गाड़ी अपनी रोक देंगे, तो इस तरीके का जब दिखाई देगा सिंबल तो वहाँ आपको गाड़ी रोकना होता है। और ये त्रिभुज आकार का अगर हो और नीचे अगर त्रिभुज का अगर चिन्ह हो तो यहाँ पर रास्ता दीजिएगा होता है। इस तरीके का सिंबल बना हो तो प्रवेश निषेध, और इसके बगल वाला ये अगर सिंबल बना हो तो इसमें आप एक तीर नीचे है और एक तीर ऊपर है रेड कलर में, तो यहाँ आने वाले यातायात को प्राथमिकता दी जाती है, जो सामने से गाड़ियाँ आ रही होती हैं उनको जाने दिया जाता है। और इसके बाद जो है नीचे 4-व्हीलर बनी है, ऊपर 2-व्हीलर, और गोल क्रॉस बन के उसमें एक मार्क टाइप का है, तो सभी मोटर वाहनों का आना मना है, और एक गोल मार्क बना है। उसके बाद एक बीच से रेड पट्टी डाल दी गई, तो इसमें क्या लिखा है, ट्रकों का आना मना है। उसके बाद बैलगाड़ियों और हाथ ठेलों का आना मना है। ये बैलगाड़ी बनी है अभी गोल बन के, जो रेड कलर से क्रॉस बना दिया जाता है, तो यहाँ गाड़ियों का आना मना है। उसके बाद बैलगाड़ियों का आना मना है, जी ऐसे बन के बैलगाड़ी अंदर, टांगों का आना मना है। तो इसके लिए ये आप लोगों को याद रखना है, गोल बन के और बीच में अगर क्रॉस रेड पट्टी डली हुई है तो यहाँ
जिस चीज़ का चिन्ह होता है उस चीज़ का होना मना है। जैसे यहाँ बना है हाथ ठेलों का आना मना है। उसके बाद साइकिल बना दी रही है, साइकिल के अंदर रेड मार्क दे दिया, साइकिल का आना मना है। उसके बाद गोल चिन्ह, उसके बाद ये पट्टी डाल दी गई रेड कलर की, पदयात्रियों का तो आना मना है, मतलब पैदल जो लोग हम लोग जाते हैं रास्ता में वहाँ पैदल यात्रियों का आना मना है। अब गोल करके इस तरीके का और दाहिना चिन्ह बना दिया गया है। तीर तो लिखा है दाएं मोड़ना मना है। जो सिंबल है सिंबल के जस्ट नीचे जिस जिस के बारे में है वो लिखा हुआ है। अब ऊपर जाके बाएं मोड़ दिया गया है तीर को, तो बाएं मोड़ना मना है। अब आगे जाकर कुछ लोग होते हैं सोचते हैं आगे जाके टर्न ले लेंगे, तो इस तरीके का अगर सिंबल बनाओ तो बाएं मोड़ना मना है। अब ये दो गाड़ियां हैं उसमें बीच में उन्होंने तीर दे रखा है, एक चिन रोड टाइप का रेड डाल रखा है, तो ओवरटेकिंग आगे निकलना मना है क्योंकि आगे रोड सकरा हो सकता है। अब ये ऐसे करके ऐसे और हॉर्न बना हुआ, तो हॉर्न बनाना बजाना मना। ये चिन्ह आपको वहीं मिलेंगे जैसे जहाँ पे बस्ती या कोई ऐसा जगह होती है जहाँ पे लोगों का आवास होता है, तो वहाँ हॉर्न बनाना मना है। अब गोल बन के लिखा है 2 m, इसका मतलब होता है चौड़ाई सीमा, रोड की चौड़ाई 2 मीटर, ठीक। उसके बाद 3.5 मीटर, तो इस तरीके का बनाए और ऊपर हल्का हल्का तीर निकाल दिया है, तो इसको कहेंगे ऊंचाई सीमा, हाइट लिमिट। और नीचे देखो तीर बना दिया तो इसको लंबाई बोलेंगे। और 5t गोल बना के अंदर लिखा है 5t, इसका मतलब होता है बाहर सीमा। अब ये बना हुआ है गोल बना के 4, और ये इसको कहते हैं एक्सल बार सीमा, कि इतनी ही बार सीमा इस रोड में सहने की क्षमता है। अब ये गोल करके 50 लिख दिया, तो स्पीड लिमिट, इस रोड में स्पीड 50 लिमिट, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही गाड़ियां निकलेंगी, स्पीड लिमिट बंधी हुई है, इससे ज़्यादा की निकलेगी तो चालान या कुछ हो सकता है। उसके बाद गोल करके उसके बाद एक तीर डाला अंदर ब्लू कलर का, हल्का ग्रीन ब्लू कलर का भर दिया, तो गाड़ी खड़ी करना मना है। इस तरीके का सिंबल आपको दिखे तो वहाँ गाड़ी पार्किंग आप नहीं कर सकते, लिखा होगा नो पार्किंग। आजकल लिख भी देते हैं डायरेक्ट नो पार्किंग, लेकिन ये सिंबल भी कहीं की बना हुआ उसमें। उसके बाद लिखा होता है गोल क्रॉस, उसके बाद पूरा फुल क्रॉस लगा दिया और उसके अंदर कलर भर दिया ब्लू कलर का, तो ग्रीन कलर का, तो उसमें लिखा गाड़ी रोकना या खड़ा करना मना, नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग। अब इसको पूरा ग्रीन किया गया है और उसमें एक तीर दे दिया गया है बाएं की तरफ, दाएं के वहाँ बाएं की, तो इसमें होगा बाएं मुड़ना अनिवार्य, दाएं यदि संकेत विपरीत है। उसके बाद बना है गोल बनाकर ग्रीन से ऊपर सिंबल दे दिया, तो आगे चलना अनिवार्य, केवल आगे, मतलब इस तरीके के रास्ता में सिर्फ आगे ही जाना होता है, आगे ही जा सकते हैं आप, पीछे नहीं हो सकता। तो इसके बाद मैं आप उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ही रिवाइज करते हैं, इन्हीं से रिलेटेड 15 क्वेश्चन आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। अब ये सिंबल आप देखो त्रिभुज के अंदर ऐसे बना है दाहिने तरफ, तो दाहिने मुड़ना तो दाएं मुड़ना है, इस तरीके का बनाओ तो बाएं मुड़ना है। तो और इस तरीके का तीसरे नंबर में त्रिभुज बना के पूरा इस तरीके का दिया गया है, तो दाएं आगे बता रहे हैं कि दाहिना घुमावदार मोड़ है, और इस तरीके को बाएं कर दिया तो बायां घुमावदार मोड़ है, आगे रोड बायां घुमावदार मोड़ है। फिर उसके बाद तीर को कर ऊपर कर दिया, तो इसका मतलब है कि रोड इस तरीके का बना हुआ है, दाहिने मुड़कर फिर आगे। उसके बाद इस तरीके बना दिया बाएं मुड़कर फिर आगे, और एक अड्डी टाइप में बना दिए त्रिभुज के अंदर, वो ऊपर कार जा रही है तो खड़ी चढ़ाई, मतलब उन्होंने पहली संकेत दे दिया आगे चढ़ाई है। इस तरीके किया गया तो सीधी ढलान। अब त्रिभुज बना के उन्होंने सिंबल दिया नैरो रोड अहीट का, आगे रास्ता सकरा है, मतलब कम चौड़ा है। और इस तरीके का पहले इन्होंने सकरे टाइप की बना दी, फिर थोड़ा चौड़ाई दे दी, तो आगे रास्ता चौड़ा है। अब इसके बाद इन्होंने बनाया है नैरो ब्रिज सकरा पुल, फिर इसके बाद इन्होंने एक गाड़ी बना दी, गाड़ी के आगे थोड़ी सी पटरी क्रॉसिंग कर दी, फिसलन भरी सड़क, इसको कहते हैं फिसलन भरी सड़क। अब गाड़ी जा रही है और उन्होंने त्रिभुज के अंदर हल्का सा तीर तीर टाइप के दे दिए, तो इसको बोलते हैं बिखरी बजरी। अब ये त्रिभुज के अंदर साइकिल, तो यहाँ पर होता है साइकिल क्रॉसिंग। अब नीचे
तो रोड के अंदर एक व्यक्ति जा रहा है, उसमें चार लेयर दे दी है, तो पैदल क्रॉसिंग। अब त्रिभुज के अंदर एक व्यक्ति और एक कोई बच्चा जा रहा है, तो आगे स्कूल है, बैग टांगे। अब त्रिभुज के अंदर तीन संकेत हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, तो ये यातायात संकेत हैं, ट्रैफिक सिग्नल। अब त्रिभुज के अंदर एक पशु बना दिया, तो ये पशु। त्रिभुज के अंदर नाव बना दिया, तो नाव। अब त्रिभुज के अंदर जो हाईवे हाईवे वगैरह होते हैं, त्रिभुज के अंदर उन्होंने रोड, रोड के बाद कुछ पत्थर पत्थर से दिखा दिए, तो इसको पत्थर लुढ़कने की संभावना, ये आपको पहाड़ हाड़ वाले एरिया में ऐसे संकेत देखने को मिलते हैं। अब जैसे कोई पुल उल है, तो वहाँ पे बहुत सारे संकेत, पुल के नीचे आप, पुल में आपको संकेत मिलेंगे त्रिभुज, त्रिभुज के ऊपर हल्की सी नाव टाइप की गड्ढा, खतरनाक गहराई। और यहाँ पे उन्होंने त्रिभुज के अंदर हल्की हल्की सी उठावदार उन्होंने नाव कर दिए, तो उभार या उबड़ खाबड़ सड़क। उन्होंने यहाँ पे त्रिभुज के अंदर एक व्यक्ति और उसके अंदर कुछ कचरा डाल कर दिखा दिया, तो आगे अवरोध है। जब किसी रोड में काम वाम चल रहा होता है, तब इस तरीके का लगा देते हैं। अब एक त्रिभुज के अंदर दो पट्टियाँ टाइप की दिखाई हैं, और ये में मध्य पट्टी में अंतर। अब त्रिभुज के अंदर क्रॉस लगा दिया है ब्लैक कलर से छोटा सा, तो उसको चौराहा कहेंगे। चौराहा आप रोड में लगा देते हैं, तो उसको चौराहे चौराहे होता है। बहुत सारे क्वेश्चन में ये चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ऊपर ऑप्शन क्वेश्चन में लिख दिया जाता है, बताएं चौराहे का चिन्ह कौन सा है। अब इसके बाद त्रिभुज लेके बाएं साइड को उन्होंने सिग्नल दे दिया, तो बाईं ओर पार्श्व सड़क, और इसी प्रकार से इसका उल्टा दाहिनी ओर पार्श्व सड़क। अब टी बना दिया है त्रिभुज के अंदर, मतलब टी तिराहा रहा है आगे। अब वाई टाइप का बना दिया है, तो सड़क संगम, मतलब दूसरी सड़क आकर के आपकी मेन सड़क से मिल रही है। अब वाई फुल वाई टाइप का बना दिया, वाई सड़क संगम। अब एक तीर बना के उसमें दो रास्ते दे दिए, विषम सड़क संगम। इसमें बहुत देख सुन के गाड़ियाँ चलाना होता है। उसके बाद त्रिभुज के अंदर तीर टाइप के हैं गोल आकार में, तो इसको गोल चक्कर कहेंगे। जैसे गोल चौराहा होता है, तो उसी को गोल चक्कर कहते हैं। घाट या नदी का किनारा, गाड़ी, सड़क, फिर उसके बाद नीचे हल्का सा पानी टाइप का दिखा दिया। अब त्रिभुज के अंदर कुछ गिट्टी मोरम डाल के एक लेवर बना दिया जो काम कर रहा है, तो आदमी काम कर रहे हैं। जैसे रेलवे के पास होती है, तो इस तरीके के रेलवे में दिखेगी रक्षित संपार क्रॉसिंग, ये मानव रहित संपार। आपको आप स्क्रीनशॉट ले लें इसको, इसी को आप देखते रहें, और इसी यही इसी से क्वेश्चन बना करके वो अगला स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके के अगर बॉक्स में आपको दिखाई दे एक बेड और ऊपर प्लस का चिन्ह रेड कलर का, तो ये होता है अस्पताल। अब किसी की बहुत सारी एम्बुलेंस गाड़ियों में बना होता है प्लस का चिन्ह रेड से, तो प्राथमिक उपचार केंद्र। अब ये एक बॉक्स के अंदर थाली और कांटा बना हुआ, तो ये भोजन स्थान, ये वहाँ पे भोजन वोजन वगैरह मिलता है। और ये बॉक्स के अंदर केवल कप और प्लेट बनी हुई, तो इसमें जलपान अल्पाहार, मतलब नाश्ता पानी व्यवस्था। और केवल बेड बना हो और ऊपर प्लस का चिन्ह ना हो, तो ये विश्राम स्थल। अब एक टी बना हो और उसमें रेड और वाइट से अगर बनाया गया, तो सड़क बंद है। जिस तरीके का तीर का सिग्नल देते हैं दाएं बाएं, उस साइड पे सड़क बंद होती है। अब एक बस खड़ी है, बस के ऊपर तीर बना हुआ, तो ये बस स्टॉप। अब ट्रेन दिखाई गई है बॉक्स के अंदर, तो ये रेलवे स्टेशन। ये टेलीफोन बना हुआ है, तो ये सार्वजनिक टेलीफोन। ये सुरंग टाइप की बनाई है, तो आगे सुरंग का सिग्नल है। ये रोड पर व्यक्ति चल रहा है, तो पैदल पथ सभ्य। और इस तरीके का रोड और इसके अंदर ग्रीन टाइप का दिया हुआ है, तो दोनों दिशाओं में गाड़ी खड़ी करने की जगह। अब ये पी बना हुआ है, और यहाँ अंदर ये साइकिल बना दी गई, साइकिल खड़ी करने की जगह। ई रिक्शा बना दिया, साइकिल रिक्शा खड़ा करने की जगह। स्कूटर, स्कूटर ऊपर पी बना हुआ है, स्कूटर और मोटरसाइकिलें खड़ी करने की जगह। टैक्सी बनाई गई है, इसी प्रकार टैक्सी खड़ी करने की जगह। इस प्रकार से सिंबल बना के ऑटो रिक्शा खड़ा करने की जगह, इस प्रकार से सिंबल बना दिए गए हैं, जिससे लोगों को परेशानी ना हो और इतनी भीड़ भाड़ में आदमी नियम से, आराम से, अपने नियम कानून से आगे बढ़े। उसके बाद क्रॉस का चिन्ह ऊपर लगा है तीर का, और उस शहर का नाम लिखा है चंडीगढ़, तो मतलब सीधे आप जाएंगे तो चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे।
25 किलोमीटर की दूरी पर। अब शिमला की तरफ बना हुआ है चिन्ह, तो 105 किलोमीटर शिमला, तो आप बाएं साइड को जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे। अब इसी प्रकार नीचे बना है जालंधर 85 किलोमीटर। अब ये पेट्रोल पंप का चिन्ह है, पेट्रोल बना है, पेट्रोल पंप की मशीन लगी हुई है और ये पेट्रोल पंप। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके कोई समस्या या कुछ है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर दिया जाए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।